दोस्तों, गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट में मैं सुरेंद्र पवार आपका स्वागत करता हूं। और कल अपना टॉपिक था भारत का संविधान, और इसी को कंटिन्यू करते हुए कल मैंने आपको बताया था 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से भारत में आता है, जिसमें कुल 3 सदस्य थे। फिर बताया 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके बाद बताया गया था कैबिनेट मिशन रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। पर दोस्तों, यहां तक सिर्फ सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है, परंतु अभी संविधान सभा के चुनाव होने बाकी है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्या था कि जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा में कुल 296 सीटों पर चुनाव हुए, और चुनाव होने के बाद इसका परिणाम आया। तो परिणाम इस प्रकार था कि चुनाव होने के बाद जो कांग्रेस को सीटें मिली वो सीटें मिली 208, मुस्लिम लीग को जो सीटें मिली थी वो सीटें मिली थी 73, 73, और अन्य दलों को जो सीटें मिली थी वो सीटें मिली थी 15। अब मैं बताया कि जब परिणाम आया कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य दलों को 15 सीटें। अब देखो दोस्तों, यहां पर मैंने लिखा कि भाई संविधान सभा में जो चुनाव हुए वो 296 सीटों पर हुए, और मैंने बताया था संविधान सभा में जो कुल सदस्यों की संख्या निश्चित की गई वो कुल सदस्यों की संख्या 390 निश्चित की गई। तो ये सीटें 296 सीटों पर ही चुनाव क्यों हो रहा है, क्योंकि 93 सदस्य राजाओं के द्वारा मनोनीत थे और उस समय तक देशी रियासतों का भविष्य तय नहीं हो रखा था। इसी कारण से संविधान सभा में सिर्फ और सिर्फ 296 सीटों पर चुनाव हुए, और इसका ये परिणाम आया। अब जब ये परिणाम आया तो सीधी सी बात है, भारत में मुख्य रूप से दो दल हुआ करते थे, एक था कांग्रेस और एक था मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग के एक महत्वपूर्ण नेता थे जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। अब मोहम्मद अली जिन्ना को बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात पता चल चुकी थी कि भाई सीधी सी बात है, अगर संविधान सभा में कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है तो इजी वे के अंदर कांग्रेस जो है उस प्रस्ताव को पारित भी कर सकती है, और कांग्रेस चाहे तो किसी प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर सकती है। तो इस कारण से क्या हुआ था मुस्लिम लीग के द्वारा क्या कर दिया गया था, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया था। इस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया था, क्योंकि उनकी अवस्था अल्प अवस्था होने के कारण उनके द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया था। और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। इंपोर्टेंट है दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में कब मनाया गया था, तो उत्तर होगा 16 अगस्त 1946 को क्या किया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था। अब चुनाव से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसका इंपोर्टेंट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर एक के भाई संविधान सभा में ऐसा कौन सा दल था जिसको एक भी सीट नहीं मिली, तो इसका उत्तर होगा हिंदू महासभा जिसको एक भी सीट नहीं मिली थी। नेक्स्ट सेकंड नंबर मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जब बात होती है कि भाई संविधान सभा में ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके सदस्यों ने भाग नहीं लिया था, तो संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के सदस्यों के द्वारा भाग नहीं लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई संविधान सभा में सर्वाधिक निर्वाचित सदस्य किस प्रांत से आए थे, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा संविधान सभा में सर्वाधिक निर्वाचित सदस्य जो आए थे वो आए थे संयुक्त प्रांत से, और उसकी सदस्यों की संख्या थी 55। और बात की जाती है न्यूनतम सदस्य कहां से आए थे, तो न्यूनतम सदस्य आए थे असम प्रांत से और सदस्यों की संख्या थी 8। फिर
चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में सर्वाधिक मनोनीत सदस्य किस रियासत से थे? तो दोस्तों यू देखा जाए तो संविधान सभा में सर्वाधिक अगर मनोनीत सदस्यों की बात की जाती है तो सर्वाधिक मनोनीत सदस्यों की संख्या यू तो 16 हैदराबाद रियासत की थी, लेकिन हैदराबाद रियासत के सदस्यों के द्वारा भाग नहीं लेने के कारण संविधान सभा में सर्वाधिक जो मनोनीत सदस्य थे वो सर्वाधिक मनोनीत सदस्य मैसूर रियासत से थे और उन सदस्यों की संख्या जो थी वो सदस्यों की संख्या दोस्तों थी 7। सदस्यों की संख्या जो थी वो थी 7। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये आता है, ये पूछा जाता है कि भाई संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखना दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो कुल महिलाओं की संख्या थी वो थी 15 महिलाएं। कुल महिलाओं की संख्या थी 15 महिलाएं और इस महिला समूह की जो अध्यक्षा थी, इस महिला समूह की जो अध्यक्षा थी वो थी श्रीमती हंसा मेहता। श्रीमती हंसा मेहता जो इस महिला समूह की अध्यक्षा थी, जो क्या था, बंबई से निर्वाचित हुई थी, ऑल इंडिया विमेंस कांग्रेस पार्टी से क्या हुई थी, ये इसकी सदस्य बनी थी संविधान सभा की। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि भाई संविधान सभा में शामिल होने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला, तो संविधान सभा में शामिल होने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थी, उसका नाम था बेगम एजाज रसूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में एकमात्र मनोनीत होने वाली महिला कौन थी देसी रियासत से? तो उसका नाम होगा एनी मस्क्रीनी। अभी हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा में एकमात्र महिला जो प्रतिनिधि जो देसी रियासत से मनोनीत हुई थी उसका नाम था एनी मस्क्रीनी, जो कोची त्वाणकोर से, जो केरल में है, यहां से ये महिला प्रतिनिधि के रूप में देसी रियासत से मनोनीत होने वाली महिला थी। ये अभी हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छठा नंबर, और छठा नंबर क्वेश्चन ये कहते हैं कि भाई संविधान सभा में राजस्थान राज्य से कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो 12 सदस्य शामिल हुए। साथ ही साथ एक बात आती है ध्यान रखना कि संविधान सभा में राजस्थान राज्य से 12 सदस्य, लेकिन संविधान सभा में दो आमंत्रित सदस्य भी थे राजस्थान राज्य से, और वो दो आमंत्रित सदस्य थे दोस्तों, पहला नंबर था के एम पनिकर जो बीकानेर से थे, और दूसरे की जब बात करेंगे तो थे वो टी विजय राघवाचार्य, और ये जो थे वो थे उदयपुर से दोस्तों, ये थे उदयपुर से। इसके अलावा देख लो दो राजस्थान की बात चल रही है, और राजस्थान राज्य के अंदर जब बात की जाती है तो राजस्थान राज्य के अंदर एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र था दोस्तों। राजस्थान राज्य से बात करते हैं तो राजस्थान राज्य में एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र था, और वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा, और इस चीफ कमिश्नर क्षेत्र से निर्वाचित होने वाले जो प्रतिनिधि या सदस्य थे उसका नाम था मुकुट बिहारी बारगव जो थे वो संविधान सभा के अंदर अजमेर मेरवाड़ा से निर्वाचित हुए थे। फिर सातवां क्वेश्चन अपने पास में ये पुटअप होता है कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या, तो संविधान सभा में अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या मीन्स एससी सदस्यों की संख्या थी 36, और संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या मेंस एसटी सदस्य कितने थे? तो एसटी सदस्य थे 33। ध्यान रखना अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या 36
और अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या 33 थी। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात पूछी जाती है और कई कई काफी किताबों में लिखा हुआ है कि संविधान सभा में जब बात आती है तो ये बताया जाता है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, परंतु वास्तविक बात यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य थे और वो पंजाब प्रांत से निर्वाचित हुए। पर कहने का मतलब है जब ये मुस्लिम लीग अलग हो जाती है तो वो फिर संविधान सभा के सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, पर जो बात होती है मोहम्मद अली जिन्ना की तो वो संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। पर महात्मा गांधी तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण जैसे कुछ ऐसे सदस्य हैं जो कहने का मतलब है संविधान सभा के रियल रूप से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इस चीज को आप ध्यान रखना। अब दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया कि भाई संविधान सभा में चुनाव हुआ और कितनी कितनी सीटें कौन से पार्टी को मिली, लेकिन अब क्या होगा, एक अंतरिम सरकार का निर्माण होगा और अंतरिम सरकार कब बनी थी, तो अंतरिम सरकार बनती है 2 सितंबर 1946 को भारत देश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। भारत देश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया और अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो इस अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो अध्यक्ष बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बनाया गया। और इस अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री या अंतरिम सरकार का जो उपाध्यक्ष बनाया गया था वो उपाध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि जब ये 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तो इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो इस अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होते हैं। और इस 2 सितंबर वाले दिन को मुस्लिम लीग के द्वारा शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि 2 सितंबर वाले दिवस को मुस्लिम लीग के द्वारा इसको शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आगे 26 अक्टूबर 1946 को दोस्तों ध्यान रखना 26 अक्टूबर 1946 को क्या होता है कि इस अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया जाता है। ध्यान रखना अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया जाता है और जब इसका पुनर्गठन किया जाता है तो इसके अंदर मुस्लिम लीग के कुल 5 सदस्यों को शामिल किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों मुस्लिम लीग के कुल 5 सदस्यों को शामिल किया जाता है। ये जो टॉपिक है इस चीज को ध्यान रखना दोस्तों। इसी के साथ आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। दोस्तों कोविड-19 जो ये कोरोना से जो महामारी है, जो एक वैश्विक महामारी है, इस दरमियान हम आपके बीच में ये जो वीडियो लेकर आ रहे हैं वो वीडियो आप लोगों के सपोर्ट के कारण लेकर आ रहे हैं और आपका सपोर्ट इसी तरह से बनाए हुए रखें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके बीच में लेकर आ सके। तो प्लीज सपोर्ट और गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट जो भी चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।